हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा टीच। क्या आप लोग भी बालों पे जू की वजह से बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्केल पे खुजली होती है और स्केल पे बिल्कुल डैंड्रफ हो गई है? तो इसकी सबसे आसान और इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की आसान तरीका यही है कि आप आयुर्वेदिक नीम पत्ता का इस्तेमाल करो। नीम पत्ता में हर्बल गुण होती है, प्रकृतिक जो होती है वो होती है। इससे आपकी स्किन पे भी कभी छाला पड़ जाए, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देती है। तो जू की प्रॉब्लम से क्या होती है ना, सर पे हमारे बालों पे पिंपल होते हैं तो धीरे धीरे वो घाव का रूप ले लेती है। तो इससे आपको नीम पत्ता से ही छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगी। नीम पत्ता आपको डांडी से छुटा के लेना है और डंडी को भी आपको फेंकना नहीं है। तो नीम पत्ता को हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के पहले आपको इसे एक से दो बार अच्छे से धो लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसके पेस्ट कर लीजिए। तो पेस्ट देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है। गाइस मैं आपको और एक बताना चाहूँगी कि नीम पत्ता की डंडी को आप ना फेंके, उसकी डंडी पे भी बहुत गुण होती है। उसे दातुन की तौर पे ब्रश बीच बीच में ना करके उसे दातुन की तौर पे इस्तेमाल करें। इससे दांतों की जड़ भी मजबूत होगी और दांतों की कीटाणु भी चले जाएगी। देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसे आप हेयर मास्क की तरह कर सकते हो इस्तेमाल, या फिर आप क्या करोगे कि इसकी जो रस है ना, इसके रस को हम छकनी की मदद से निकाल लेंगे। तो इसकी जो रस है उससे हम बस हेयर सीरम की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे ना हम स्केल पे लगाएंगे। छकनी की मदद से पूरे जो पेन तत्व है वो हमें निकाल लेना है। और अगर आप चाहो तो इसकी जो अभी देखिए इसकी जो बाकी जो बच गया है हेयर मास्क का, उसे अब हेना पे मिलाकर भी लगा सकते हो। तो अभी चलिए हम इससे इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको अच्छे से बालों को पहले कंघी कर लेना है, बालों पे बिल्कुल जट ना रहे। और हमारी जो रस है नीम पत्ता की, उससे हम कॉटन की मदद से लगाएंगे। हाथों की मदद से लगाने से गिर जाएगी, तो हमेशा कॉटन इस्तेमाल करिएगा। कॉटन की मदद से इसे आप अच्छे से लगा सकते हो। बालों की स्केल पर लगाइए, तो जहाँ पे हमारी बालों की ग्रोथ होती है वहीं पे लगाना है, वहीं पे बालों की सारी समस्या होती है, स्केल पे। क्योंकि खुजली अगर होगी तो आपके बालों पे खुजली नहीं होती, आपकी जो सर के स्केल पे उस पर खुजली होती है। अगर आपकी जू की वजह से सर पे कहीं पे घाव होगी तो हम बोलते हैं कि बालों पे घाव हो गई है। बालों पे हमारी कभी घाव नहीं होती है, हमारी होती है सर की मांसपेशी में, स्केल पे। तो वहाँ पे आपको अच्छे से लगाना है और स्केल पे लगाने से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन वोमेन कोई भी लगा सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, हमारी प्रकृतिक से मिला हुआ अवतार है, तो इससे कभी कोई खराबी हो ही नहीं सकती। स्केल पे अच्छे से लगाने के बाद आपको बालों को बहुत अच्छे से मसाज करना है। और फिर क्या करना है कि ना बस ठंडे पानी की मदद से इसे धो लीजिए। शैम्पू उस दिन ना करें, बस ठंडे पानी की मदद से धो लीजिए। तो इससे जो तीखा होते हैं ना नीम पत्ता, सबको पता है बहुत ज़्यादा तीखा होते, तो उसे जो मर जाएगी। और नीम पत्ता में बहुत औषधि गुण होती है जिससे हमारे इस हेयर की सारी प्रॉब्लम चले जाएगी और हेयर बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। आपको पूरे बालों पे अच्छे से लगाना है, बालों की स्केल पे पीछे भी लगाना है। सारे बालों पे लगाने के बाद जब हमारे लंबे हेयर हो तो हेयर की लंबाई पे भी लगाना है, उससे बालों की फटना भी बहुत हद तक बंद हो जाएगी। इसे आपको एक महीना लगातार अब इस्तेमाल करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी। मतलब एक महीना में हफ्ता में एक दिन इस्तेमाल करो। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।